हेलो हेलो भारतवासियों, आज हमारा छोटा सा एक सवाल है, ठीक है ना। बहुत दिनों से सोच रहा था कि आप लोगों से पूछ लें, भारत में ज्ञानियों की कमी तो नहीं है। हमको उम्मीद है कि हमारे सवालों का एक बेहतर जवाब मिलेगा। और ये जवाब सवाल जो मैं पूछ रहा हूँ, जिनको लगता है कि हाँ इस सवाल का जवाब देना चाहिए, वो कृपया कर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सवाल हमारा ये है साहब कि विष्णु के 10 अवतार की बात होती है, ये कभी आने की बाकी है, कल के अवतार आएंगे, है ना। और नौवां अवतार बुध को माना जाता है। तो विष्णु एक ईश्वर है, ईश्वर के रूप में लोग मानते हैं, बट यदि बुध की बात किया जाए तो वो तो नास्तिक थे। तो फिर एक नास्तिक ईश्वर का अवतार कैसे हो सकता है? हमारा सवाल यही है, यही सवाल हमारे मन में गूंज रहा है कि इसका सवाल ऐसा क्यों हुआ कि विष्णु जब एक ईश्वर हैं और उनका अवतार एक नास्तिक क्यों हो गया। नास्तिक का मतलब तो यही होता है कि जो ईश्वर को ना माने, समाज की किसी भी परिस्थिति को अलग तरह से सोचता हो, वो होता है नास्तिक। तो हमको यही जवाब चाहिए कि आखिर बुद्ध नास्तिक क्यों हुए, ठीक है ना। तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप जवाब जरूर दीजिएगा। सभी देशवासियों से विनम्र आग्रह है, जो लगता है कि इस प्रकार के जवाब दे सकते हैं, ठीक है ना।